So what's up guys, welcome back to the another episode. So today we are going to play Minecraft. So without any further delay, let's get started. और आज का एपिसोड आने वाला बहुत ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एंशिएंट डेविस फाइंड कैसे करें और इसके लिए आपको जो सामान चाहिए वो है एक डायमंड पिकैक्स और एक आर्मर और दुनिया भर के बेड्स। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेड की बजाय एक स्टैक लॉग और 3-4 स्टैक वूल ले चलो। तो सबसे पहले आपको एंशिएंट डेविस फाइंड करने के लिए जाना है वाइज इक्वल टू 12 पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो आपको अपर लेफ्ट कॉलम में पोजीशन दिखाई दे रही है बीच वाला आपको 12 होना चाहिए। उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अपने नीचे वाला ब्लॉक बिल्कुल भी मत खोलना बिकॉज ये नेदर है, कहीं भी लावा निकल सकता है और आपके लग सकते हैं। और जब आप वॉइस कॉल टू 12 पर आ जाए उसके बाद आपको सीधा माइन करना है जिस हिसाब से मैं माइन कर रहा हूँ। और अगर आपके सामने भी आ जाता है कुछ इस प्रकार का मतलब कोई और बायोम जिसमें कि नेदर रैक नहीं है तो उसको स्किप कर देना बिकॉज मैं एंशिएंट डेविस मिलने का चांसेस नहीं होता। और आपको आगे माइन करते चले जाना है बिकॉज आगे कहीं ना कहीं आपको नेदर रैक मिल ही जाएगा। और अभी आपको किसी भी साइड माइन करना है और ध्यान रखना है कि जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सके वहाँ तक माइन कर दो। जैसे कि मेरा पिकैक्स अभी वहीं तक पहुँच पा रही है तो वहाँ तक मैंने माइन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लगा देना है एक बेड और सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा वो TNT की तरह फटेगा और आसपास के ब्लॉक टूट जाएंगे और आसपास जितने भी एंशिएंट डेब्रिस होंगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया और उसके बाद आपको जो भी लावा का सोर्स है वो बंद कर देना, जो कि आपको जो आपके ब्लॉक्स मिल जाएंगे उन्हीं से कर देना, ईजिली हो जाएगा। तो अभी मैंने लावा का सारा सोर्स बंद कर दिया तो फटाफट से इसको मैं तोड़ देता हूँ एंशिएंट डेब्रिस को। और ये हमारा हार्डेस्ट थिंग है अभी माइनक्राफ्ट में। और अभी चलते हैं सीधा अगली तरफ। और अभी आपको क्या करना है, अभी जिस साइड आपको करना किया था उसके दूसरे साइड आपको जहाँ तक माइन हो सकता है वहीं साइड आपको माइन करना है। उसके बाद आपको बेड ला कर उसको क्लिक कर देना है, वो फट जाएगा। और अगर एंशिएंट डेब्रिस होंगे आसपास तो आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं मेरे को लास्ट तक कितने एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं। और इसके बाद आपको उसी के आगे 8 ब्लॉक तक माइन करना है। जैसे मैं अभी 80 पे था तो अभी मैं यहाँ पे 88 पे पहुँच जाऊँगा। और इसके बाद अभी आपको 88 पे पहुँचने के बाद यहाँ पे अपने लेफ्ट और राइट की साइड आपको लगा दे मतलब बेड वापस लगा देना जैसे आपसे पहले किया था। तो यहाँ पर मैंने जहाँ तक माइन हो सका वहाँ तक करा और यहाँ पे बेड लगा कर उस पर क्लिक कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि TNT की तरह वो फटा और यहाँ पे मेरे को एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल गया। और यहाँ पे ये जो लावा का सोर्स था फटाफट से इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी सारा लावा खत्म हो चुका है, अभी समय आ चुका है इसको माइन करने का। और मेरे पास नेदरराइट के पिकअक्स थी इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास डायमंड के पिकअक्स है तो उससे भी काम चल जाएगा। और अभी आपको फिर से उसकी दूसरी साइड बेड रख देना और कमेंट करूँगा स्प्लिट कंट्रोल यूज़ करो बिकॉज मतलब आपको बेड लगाने बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर स्प्लिट कंट्रोल आप यूज़ नहीं करते हो। इस बार मेरे को नेदरराइट नहीं मिला बिकॉज यहाँ पे था ही नहीं कोई। और अभी यहाँ पे मैंने फिर माइन कर लिया और यहाँ पे मैं सीधा यहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैंने माइन कर लिया और यहाँ पे लगा देता फटाफट से एक बेड और इस पर क्लिक कर देता, जैसे कि बेड फटा और यहाँ पे मेरे को 2 एंशिएंट डेब्रिस और मिल गए। तो उसके बाद अभी आप माइन कर सकते हो उनको इजीली। और सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि लावा वो हो या फिर फायर है उसको बुझा दे बिकॉज इससे क्या होगा आपके जलने का चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मतलब आप जल सकते हो नेदरराइट तो बिल्कुल वो एंशिएंट डेब्रिस तो बिल्कुल भी नहीं जलने वाला बिकॉज वो फायर प्रूफ है ही। तो मैंने सारा फायर बुझा दिया और अभी समय आ चुका मेरे एंशिएंट डेब्रिस को निकालने का। अगर आप मेरे सर्वाइवल सीरीज देख रहे हो तो मेरा ये सर्वाइवल सीरीज वाला वर्ल्ड है, उसी में अभी एंशिएंट डेब्रिस फाइंड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को पूरा नेदरराइट का एक बीकर बनाना है। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा हार्ड है बट बना लूँगा मैं, टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और अभी समय आ चुका है ऐसे ही आपको दिखाने का कि मेरे को कितने एंड तक एंशिएंट डेब्रिस मिले। और अभी समय आ चुका है एंशिएंट माइनिंग मोंटाज का। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. और जी हाँ, कभी कभार आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है और आपको सीधे एंशिएंट डेविस मिल सकता है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आपको एंशिएंट डेविस मिल चुका है तो उसको उठा के फिर से आप एक और मतलब बेड फोड़ ही देना बिकॉज इससे क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एक एंशिएंट डेविस मिला था तो यहाँ पे चांसेस थे कि और एंशिएंट डेविस मिले बिकॉज 3-4 कभी कभार 1-2 एक्स्ट्रा होते हैं एक के साथ और मेनली 2 होते हैं एंशिएंट डेविस। तो यहाँ पे मैंने फिर भी फोड़ा और यहाँ पे मेरे को एक और एंशिएंट डेविस मिल गया जो कि शायद मैं रह जाता अगर यहाँ पे मैं बेड नहीं फोड़ता। क्योंकि हाँ, बेड फोड़ना ज़रूरी है। और जैसे कि सब आप सबको पता है कि आपको एंशिएंट डेविस नेदर में मिलेगा और नेदर में धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो कृपया
सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जैसे यहाँ पे मेरे साथ धोखा हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं सोचा और एंशियंट एबिस हो गया, एंशियंट एबिस तो था बट लावा भी था, इसलिए यहाँ पे मैं मरते मतलब जलते जलते बचा। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि कृपया करके सावधान रहें, सतर्क रहें, ये नदर है, मजाक नहीं। और अगर आपने मेरी सवा चीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे पास सब कुछ डायमंड का था, सिर्फ मेरा आर्मर और मेरी स्वॉर्ड जो थी वो नेदरराइट की थी। तो मैंने सब डायमंड मतलब नेदरराइट में कन्वर्ट कैसे कर लिया उसको दिखाने के लिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा जिसमें कि मेरे को मिले थे नेदरराइट, बट अफसोस उनमें मैंने रिसोर्स पैक लगा रखा है, बट टेंशन मत लो, इसी वर्ल्ड के हैं और इसी गेम के हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी माइनक्राफ्ट की आने वाली वीडियोस में ये वाला रिसोर्स पैक यूज़ करूँ तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज ये रिसोर्स पैक को लगाने के बाद मेरा डिवाइस ज़्यादा लैग नहीं करता है और ये पॉसिबल है। तो जी हमारे लोग अच्छी वीडियो देखते, अगर वीडियो तक कम जाए तो वीडियो को दें लाइक, चैनल को दें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।